गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आपका भाई है आज भारत के प्रथम गांव में। हाँ जी, आपने भारत का लास्ट गांव सुना होगा माणा, बट वो आज की डेट में भारत का प्रथम गांव बन चुका है। तो ये है भाई बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर पैदल की दूरी पड़ती है, और ये सामने जो आपको दिख रहा है ये बोर्ड, ये भारत के प्रथम गांव माणा का ही है। और जो ये पार्किंग लगी है सामने, ये भाई यहाँ के लिए लोगों का, जो बद्रीनाथ धाम देखने के लिए लोग आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, यात्रा करने के लिए आते हैं, वो माणा गांव तक जरूर जाते हैं, क्योंकि ये लास्ट गांव है भाई इंडिया का। और ये आप देख सकते हैं सामने, इधर पे आर्मी वाले भी हैं भाई, इससे ऊपर अलाउ नहीं होता जाना, ये देख लीजिए। और इधर पे तार बाड़ पूरे लगे हुए हैं सामने से, अगर आप देख पा रहे होंगे। एक्चुअली यहाँ पे धूप लग रही है भी काफ़ी तेज, तो आपको दिखाता हूँ भाई जो ये सामने दिख रहा है, ये सामने जो दिख रहा है यही भाई माणा गांव है। ये जो सामने दिख रहा है ये पहले लास्ट गांव था, बट अब इंडियन गवर्नमेंट ने इसको भारत का प्रथम गांव घोषित कर दिया है। इधर पे देख सकते हैं आप, इतनी पूरी पार्किंग है भाई, पूरे लोग मतलब जो बद्रीनाथ धाम तक जो आते हैं वो यहाँ पे जरूर आते हैं, क्योंकि बंदा, मैं तो पैदल आया भाई, 3-4 किलोमीटर ही है, तो आराम से आ सकता है बंदा पैदल भी। तो ये देख सकते हैं सारे लोग यहाँ पे घूमने आ रखे हैं। और कुछ अभी आगे जाऊंगा, आपको पूरा गांव घुमाऊंगा, क्या क्या विशेषता है इस गांव की, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, हर एक चीज़ दिखाऊंगा, तो वीडियो पूरी देखना। तो ये है भाई माणा की पार्किंग, यहाँ से शुरू हो जाती है। देखिए ये भारत का प्रथम गांव, पहले आखिरी था, बट अब इंडियन गवर्नमेंट ने इसको प्रथम कर दिया। इस सामने देख सकते हैं पूरी पार्किंग, जितनी पूरी खचाखच रोड भरी है, सारे बद्रीनाथ में जाती है, सारे लोग जो बद्रीनाथ आते हैं वहाँ से सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर है, पैदल भी आ सकते हैं आराम से, कोई चढ़ाई नहीं है, सीधा है, मैं भी पैदल ही आया भाई। सामने दिख रहा है ये है बद्रीनाथ, सॉरी ये है माणा गांव, जो भारत का प्रथम गांव है। चारों तरफ भाई ग्लेशियर है, देख सकते हैं आप बर्फ भी पड़ी हुई। और इसमें दो रोड जाती है, एक माणा गांव के लिए और एक जो ये ऊपर जा रही है इधर भाई, ये आर्मी वाली रोड है। इस पे यहाँ से ये देखो स्टॉप लिखा हुआ, आर्मी स्टॉप, आर्मी एक्सेस, ओनली आर्मी की गाड़ियाँ जाती इधर से, और कोई फालतू लोग नहीं जा सकते। तो गाइज ये व्यू देखो आप, नीचे से जा रही नदी, ये अलकनंदा नदी है भाई, जो कि ये सामने माणा गांव है, इधर से आ रही है कहीं से। और ये देखो नीचे, मतलब ऊपर से मिट्टी है, नीचे से भाई पूरा, मतलब ऊपर से लोग भी जाते होंगे शायद यहाँ से, जहाँ तक मेरे को लगता है, इतना पक्का सा हो रहा हो, बट दरारें भी है, डर भी है। और नीचे देखो आप, बिल्कुल पानी जा रहा, फुल फोटोग्राफी के लिए बहुत शानदार व्यू है, बट खतरा भी है वहाँ पर। तो दोस्तों ये स्टार्ट हो गया भाई यहाँ से माणा गांव, यहाँ पे माणा गांव में पहुँच चुके हैं हम, अब गांव में जाना है यहाँ से। पहला घर, माणा गांव का ही पहला घर है, यहाँ तक पार्किंग थी, इसके बाद शुरू हो चुका है माणा गांव, जो कि भारत का प्रथम गांव है। सुस्वागतम माणा गांव, ये लगाओ भाई गांव का बोल्ड। ये सामुदायिक शौचालय माणा, यहाँ तो भाई यमुनोत्री और केदारनाथ जैसे भीड़ है, बिल्कुल प्रॉपर भीड़ दिख रही है, उतरने पड़े
अब ये भीड़ इसलिए भी है एक्चुअली क्या है कि अभी टेंपल बंद होता है दिन में, अभी भाई 2 बज चुके हैं, शायद 3 बजे खुलेगा, तो सारे लोग जो टेंपल में आते हैं वो इधर आ जाते हैं। ये है भाई, सारे यात्री इधर ही आ रहे हैं। एक्चुअली अभी टेंपल दिन में बंद होता है, 3 बजे खुलता है, 12 बजे तक चलता है शायद। टुट्टी मुर्गे डंडे दादी जी बैठी हैं। ये देखो भाई, ये बन रहे पहाड़ी कपड़े, ठंड वाले मोजे टोपी, वही तो, ये सारे हैंडमेड है भाई, अभी बिल्कुल अभी बना रही दादी जी। पेंटिंग बड़ी घैंट बना रखी। ये पानी ऊंचा, जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी पानी। यही रास्ता है, यही रास्ता है सही में। अच्छा अच्छा, माना का इसके लिए तो फेमस है और कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, तो भाई अभी अभी एक तो अभी दिया है, फर्स्ट और लास्ट। एक नई इन्फॉर्मेशन मिली भाई से, जो क्या पांडव ने, पांडव यही, अच्छा इसी रास्ते से भाई स्वर्ग की ओर गए थे पांडव जी, आगे भीमशिला मिलेगी। हाँ भीमशिला, तो भाई ये वही वाला रूट है जहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे, और आगे इधर पे भीमशिला है। ये स्वर्ग का रास्ता है पांडवों का। ये है भाई यहाँ का प्रॉपर व्यू भी है पूरा माना गांव। ये जो सामने आपको दिख रही होगी, जो मतलब सामने दिख रहे हैं, वो फौजियों के सारे घर हैं भाई, उन्होंने बनाए हुए, जो सारे आपको टीन सेट दिख रहे होंगे ये वाले। और ये इधर वाला भाई, ये सारा माना गांव है, यहीं तक एंड है ये पूरा।
ये बीच में टेंपल है। और ये जो रूट है ये वो रूट है जहाँ से पांडव स्वर्ग को गए थे, उसी रूट से हम जा रहे हैं। और यहाँ पे आगे भीमशिला पड़ेगी। टिमरू के डंडे भाई जो लोग दरवाजे पे लगाते हैं। ये मोटे दरवाजे पे लगाने क्या काम आते हैं, और जो हरे होते हैं उनसे मंजन भी करते हैं। टिमरू भाई काफी बड़ा गांव है यार ये, तो मुझे लगा छोटा होगा। ये वहां तक है क्या? पता ना यार, हम भी पहली बार जा रहे हैं। अच्छा क्षेत्रपाल श्री घंटाकर्ण जी, भोलेनाथ नंदी माँ पार्वती पेंटिंग बड़ी शानदार बना रखी है, देखो वाह। महाकाल देखो, भोलेनाथ गणेश भगवान, गांव में अगर किसी ने रुकना है तो यहाँ पे भी कैंप की व्यवस्था पूरी है। देखो माना गांव नहीं, पूरा मार्केट बन चुका है। क्योंकि यहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं। तो माना गांव हो जाता भाई यहाँ से एंड, और ये जो रास्ता है यहीं से पांडव गए थे भाई स्वर्ग को, और ये रास्ता एंड, ये माना गांव यहाँ से होता है एंड। अब गाइस ये था माना गांव का पार्ट वन ब्लॉग, इसमें मैंने आपको माना गांव से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई है। जो इसका माना गांव का सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं आपको बताऊँगा भीम पुल, जिसको भीमशिला भी बोला जाता है, वसुधारा जलधारा भी है उसके लिए कौन सा रूट जाता है, सरस्वती नदी का उद्गम, और आपको व्यास गुफा, गणेश गुफा, हर एक चीज़ से रिलेटेड आपको उसमें जानकारी मिल जाएगी। उस ब्लॉग का आपको पार्ट टू का जो लिंक है वो इसी ब्लॉग के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस ब्लॉग को भी ज़रूर देखना। और इस ब्लॉग में अगर आपको थोड़ी सी भी कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you.